ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ତ ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖନ୍ ନା ତ ଆମର ଯେତେ ଅଛନ୍ ସେଠେ ମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ବାଲାକେ ବି ଆର୍ ଏମିତି ବାଲାକେ ବି ତ ହେଲା କି ନା ଜଣେ କି ଅଛି କ୍ୟା ଦେବାସେଛି ଚିକେନ୍ କପ୍ ଖିଲାଇଏ ଗା ବୋଲୁଛି ପୁରା ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ମନାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଲାଇଏ କବି ବୋଲୁଛି ତୁମେ ବୋଲେ କି ମୁଁ ବୋଲେ ପୋଲଟ୍ରି ଚିକେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଖିଲାଙ୍ଗେ ଦେଶୀ ଚିକେନ୍ ହେ ନାଇଁ ମେରା ଘର ମେ ତ ପୋଲଟ୍ରି ଚିକେନ୍ ହିଁ ଖିଲା ଦେଙ୍ଗେ ମୁଁ ବୋଲି सभी को नमस्ते, मैं हूँ देवाशीष नायक और मेरे चैनल देवाशीष नायक ब्लॉग्स में आप सभी का स्वागत है। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी मैं उठा आज, कल एक्चुअली में मैं काफ़ी थक गया था सरायकला जाके। करीबन मैं 8 बजे ही निकला था घर से, उसके बाद 2 बजे मैं घर आया और मुझे रेस्ट भी नहीं मिला। फिर मैं दुकान खोला, उसके बाद दुकान खुलने के बाद फिर रेटिंग वगैरह कर करके मेरा रात 11 बज गया। 11 बजने के बाद उसके बाद मैं थोड़ा बहुत देखा नेट पर, कुछ इंस्टा में देखा, फेसबुक पर देखा, कुछ मैसेज वगैरह पढ़ा, उसके बाद मैं फिर सो गया। ऐसे करते करते 12 बज गया रात को। फिर आज मैं अभी उठ रहा हूँ 8 बजे, तो आज थोड़ा सा तो लेट हो ही गया है, तो आज तो एक्सरसाइज हो नहीं सकती क्योंकि इतना ज़्यादा लेट हो चुका है। तो अभी हम पहले अपना काम कर लेते हैं, नहाना धोना, उसके बाद नाश्ता करना, उसके बाद दुकान खोलना। तो अभी तो मैं फ़िलहाल उठता हूँ, मुझे जाना हो रहा माली मरु क्योंकि मुझे कुछ गैस का ज़रूरत है। तो अभी मैं मैदान में खड़ा हूँ और अभी चलते हैं माली मरु। मैं अभी माली मरु जा रहा था और एक बच्चा मेरे को मिल गया रोड पर जिसका नाम है वीर। तो मुझे बोल रहे कि माली मरु छोड़ दो। कहाँ तक छोड़ देंगे तुमको? जहाँ पर चोटी खाते हैं। तो वहाँ तो मैं नहीं जाऊँगा, मैं दिलीप के दुकान में तुमको छोड़ देता हूँ। ठीक है, ठीक है, ठीक। अभी सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी मैं नहा के आया और अभी नाश्ता करने जाऊँगा। आज आपको दिखा रहा हूँ, आज खाने में, नाश्ते में जो ब्रेकफास्ट है उसमें है आज हम लोग का देसी भाषा में जो झारखंडी भाषा में बोला जाता है इसे गुलगुला कहा जाता है, और साथ में चटनी है। तो अभी मैं खा लेता हूँ गुलगुला और चटनी। गुलगुला देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है और साथ में ये चटनी है। अच्छा बना है बट थोड़ा सा ठंडा हो गया है क्योंकि मैं तो लेट से उठा था। काफ़ी टेस्ट है गुलगुला। ये 10:05 हो रहे हैं और अभी मैंने दुकान खोला है। तो बहुत सारे मतलब मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं या फिर मेरी जो वीडियो देखते हैं तो उनका कहना था मेरे वीडियोस पर कि नया कंटेंट लाइए। मैं एक चीज़ बता दूं, मैं आजकल डेली ब्लॉग बना रहा हूं और मैं ख़ासतौर पर मेरा दुकान मेरे घर में ही है और मैं घर से तो कहीं जाता नहीं क्योंकि मुझे जब टाइम मिलती है 9 बजे से, मैं टाइम अपना बता रहा हूँ, शेड्यूल जो है मेरा 9 बजे से लेकर मैं 1 बजे तक दुकान पर रहता हूँ दोपहर के। उसके बाद 1 बजे के बाद मैं खाना खाने जाता हूँ, फिर मैं 4 बजे दुकान खोलता हूँ, 4 से फिर 8 बजे तक रात के रहता हूँ। तो मेरा ये डेली का रूटीन है। तो कंटेंट नया कब आएगा? जब मैं कहीं घर से बाहर निकलूँगा, तो मैं तो जाता नहीं इसी वजह से नया कंटेंट आ नहीं पाता, और मैं डेली ब्लॉगर हूँ इस वजह से मेरी डेली ब्लॉग आती है। और ख़ास तौर पे मैं अगर छोड़ के जाऊँगा तो मेरे दुकान में जो भी अर्निंग होती है, जो भी पैसा मुझे मिलता है, वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप लोग मेरे डेली ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए। अभी रात के 8 बज रहे हैं और अभी मैं किचन रूम में आ चुका हूं और इधर चाची सोई हुई है, साथ में इधर यशोदा देख रही है फ्लिपकार्ट में कपड़ा जो कि खरीदेगी शायद लग रहा है, और इधर दीपा उधर बना रही है
क्या बना रही है रे? मटन। मटन, चलिए देखते हैं मटन कैसा बन रहा है। अभी बन रहा है खस्सी का जो सिर है उसको बनाया जा रहा है, जो कि काफ़ी टेस्टी लगती है। तो कभी कभी डिफरेंट टेस्ट लेना चाहिए ज़िंदगी में। तो आज तो ये सिर बन रहा है खस्सी का, और ये बना रही है हम लोग का कुकिंग मास्टर। चाची तो खाती नहीं है, बस सादा भोजन उच्च विचार उनका रहता है। देख रही है पूरा आराम से, पूरा क्लियर। और हम लोग देखेंगे टेस्ट करके, अभी तो पूरा बना नहीं है, जब बन जाएगा तो टेस्ट कर लेंगे हम लोग कि कैसा लग रहा कैसे। अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और अभी मैं खाने जा रहा हूँ। आज खस्सी का सिर बना हुआ है, साथ में रोटी और उधर आलू भुजिया है। तो टेस्ट तो मैंने किया, काफ़ी अच्छा लगा। तो आज रोटी के साथ खाएंगे तो और भी मज़ा आने वाला है। अभी परलों का अभी तक खत्म नहीं हुआ है ड्रेस देखना, तभी से बैठी हुई है बेचारी। दीपा का तो इतना ठंड लग रहा है आपसे, पता नहीं क्या होगा 2 महीने के बाद, बर्फ बन जाएगी लग रहा है। अभी रात के 9:05 हो रहे हैं और अभी हम लोग खाना खा चुके हैं, यानी कि रोटी खा चुके हैं। और अभी मैं एडिटिंग करूंगा, आज की वीडियो को एडिटिंग कर लेता हूं, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। एडिटिंग करने में तो टाइम लग ही जाता है फ्रेंड्स, लेकिन आज बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भरी ज़िंदगी था। एक ब्लॉगर के लाइफ में बहुत ज़्यादा भाग दौड़ हमेशा होते ही रहता है। और थोड़ा सा आज मैं टीवी देख रहा हूँ, अभी तो फ़िलहाल मैं एडिटिंग करूँगा, उसके बाद अपलोड पर डालूँगा इसको। तो अभी तो थोड़ा खा के थोड़ा सा पेट जो है ना भर चुका है। फिर रात के 10:00 रहे हैं और मैंने एडिटिंग पूरी कर ली है। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पर।